It's a heart and I love you and happy birth. He has written all of it. What? I don't believe it. Yeah. You have written it? Yes. Oh my God, come here. This is the most beautiful card I've ever got. What? Okay. You want to give the new one next card? Mom, I know. The cake. The cake, mommy, the cake. I'm getting the cake. Are you ready for the cake? It's a chocolate cake. It's a chocolate cake, my favorite. So, this year, मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे बर्थडे की कबीर को है. पिछले तीन दिन से चॉकलेट नट्स ऑल्सो पिछले तीन दिन से हमारे घर में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चल रहा है. मम्मा को बोला जाता है आंखें बंद करो और फिर वो सॉन्ग चलता है. कार्ड हो रहा है और अभी 12 नहीं बजे हैं, 11 ही बजे हैं, बट वो वेट नहीं कर पा रहा. तो हम कह रहे हैं कर लेते हैं ना सेलिब्रेट, पहले ही कर लेते हैं. तो वेरी एक्साइटेड. मैं कर देता हूं कबीर, मैं कर देता हूं बाबा. एक मिनट. मत करो कभी, चलो ठीक से बनाओ. सारे रंग बताओ एक बार, चलो सारे रंग उठा के बताओ एक एक करके. नीला. गुड. नारंगी. वेरी गुड. ओके. लाल. बहुत बढ़िया. हरा. बहुत अच्छे. बैंगनी. क्या बात है, गुड जॉब. पीला. वेरी नाइस. काला कहाँ है? काला, काला है आपके पास कहीं? वेरी गुड. इसी के साथ आपकी कक्षा समाप्त होती है, अब आप जा सकते हो. बोलिए क्या बोलेंगे एंड में? धन्यवाद पिताजी. धन्यवाद पिताजी. माताजी. गुड मॉर्निंग गाइस. सो बर्थडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई है ऑनलाइन क्लास के साथ. आज कबीर की हिंदी की क्लास थी तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, बिकॉज हिंदी की क्लास जो है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है. तो मैंने कहा छुट्टी नहीं कराते हैं, तो रंगों की क्लास थी इसलिए मैंने छोटा सा रिविजन कराया. Yes. So, धीरे धीरे सीख रहा है वो, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उसको इंटरेस्ट आ रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट. और अब चलते हैं, डे स्टार्ट करते हैं. एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर विशेस. सो इट इज गिफ्ट टाइम. कबीर मम्मा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया है. और कबीर धीरे धीरे मम्मा को गिफ्ट देगा. मैं कबीर को दूंगा और फिर कबीर मम्मा को दूंगा. ठीक है कबीर? क्या गिफ्ट दूंगी? लेगो. सॉरी, इट्स अ सरप्राइज. तो सबसे पहले कबीर ने मम्मा के लिए क्लोथ्स लिए हैं, वो देगा. Really? Yes. मम्मा के लिए क्लोथ्स लिए उसने. कैसे पता था कि मम्मा को सबसे ज्यादा गिफ्ट की क्लोथ्स की ही जरूरत? ओह माय गॉड, सो प्रिटी. हां, बहुत प्रिटी ड्रेस लेके आया कभी. Amazon से कर दिया उसने. नहीं, मिंत्रा से. स्टोर मुझे पता है क्योंकि मैं ये देख रही थी उस दिन ऑनलाइन. मैंने तुम्हें देखते हुए देखा और फिर मैंने ऑर्डर कर दिया. चलो अब देखते हैं साइज आएगा या नहीं. दैट इज द मेन थिंग राइट. एक्सचेंज हो जाएगा यार. अच्छा ठीक है. नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट. हाउ आई कैन ओके देन ओपन योर आईज. व्हाट आर यू सीइंग? आई गॉट इट मामा. आई गॉट यू दिस. दैट्स सो कूल. इसमें नानी ने हेल्प करा है मेरा. सो नाइस, लवली और फ्लैट. थैंक यू. वो भी एकदम परफेक्ट है. थैंक यू. मैं सोच ही रही थी कि दीदी नीचे क्या पहनूंगी. मेरे पास नहीं है शर्ट. मेरे पास शर्ट नहीं है. नहीं. ओह, मेरे पास टी शर्ट. आई आल्सो डोंट हैव शर्ट. ओह, एज अ रिटर्न गिफ्ट. बट आपके लिए मैं नहीं लाई कबू. आई एम सो सॉरी, बिकॉज मामा लाई है कबू के लिए अ मोर हैंडसम शर्ट. कबू,
अपने ऊपर रख के दिखाओ ऐसे जैसे. नाइस कलर, नाइस कलर, वेरी नाइस, दिस इज अ नाइस चेक शर्ट. मैं ज़ारा से लेके आई हूँ और ये मैं सौरभ के लिए लेके आई हूँ टॉमी से. तो इन दोनों के पास ऑब्वियसली शर्ट्स बिल्कुल खत्म हो गई थी तो मुझे था कि इनके लिए भी कुछ. थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस. सो वी आर इन अ प्लेस कॉल्ड कोफुकू क्योंकि हमारा जो फेवरेट जापानी रेस्टोरेंट था फूजी सीपी में वो बंद हो चुका है. तो कोई भी ओकेजन हो जहाँ पे कबीर को भी इंजॉय कराना है उसके लिए हमें जापानीज देखना था. तो ये जापानीज हमें एक प्लेस मिला विच इज इन अंसल प्लाजा बाय द नेम ऑफ कोफुकू. And the food is amazing. We have come here once earlier and we love the food. और इस टाइम पे हमें ट्रेडिशनल सीटिंग मिली है जो आपको दिखा देता हूँ और फूड जो भी आएगा वो भी दिखाएंगे. What are you excited about, Kabir? What are you excited about? I'm excited about sashimi. He is a sashimi lover. हम कभी जापान तो नहीं गए हैं ना. नहीं. Never know. And that is the birthday girl for you guys. सो अभी लंच का टाइम हो गया और बहुत तेज़ भूख लग रही है. नाउ द चैलेंज इज मुझे जापानीज इज माई फेवरेट क्यूजीन. सौरभ का भी, कबीर का भी, नानी को इतना अच्छा नहीं लगता है बट उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है. और मेरे डैड हमें ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज उनका वर्किंग डे था. सो द चैलेंज इज दैट प्रेगनेंसी में आप जापानीज ना, मतलब प्रेगनेंसी में आप ये रॉ फिश नहीं खा सकते और जो हाई मर्क्यूरी फिश होता है वो भी नहीं खा सकते. तो मुझे काफ़ी कुछ जो मेरी बहुत ही फेवरेट आइटम्स है वो अवॉइड करने पड़ेंगे. बट देन यहाँ पे बहुत और ऑप्शन भी हैं जो मैं और मॉम इजीली खा लेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. पता नहीं ऐसी जगह आके क्या होता है ना कि आपकी भूख एकदम से बढ़ जाती है, जो ऑलरेडी लगी होती है वो डबल हो जाती है. सो या वेट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल. The food? जब आप अच्छा खाना खा लो ना आपका ना अंदर से तृप्ति मिल जाती है आपको. अच्छा. संन्यास ले लो इसके बाद बस. नानी, what about you? Like it? इससे पूछो संन्यास कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए? डिनर तक, ओनली टिल डिनर. सो गाइज वी आर बैक होम एंड हमने बहुत अच्छी नैप ली आके. दो ढाई घंटे हम लोग सब सोए और अब उठे एंड वी आर फीलिंग सुपर डुपर फ्रेश. अब प्लान ये है कि घर पे चिल करना है, मस्ती करनी है एंड देन वी विल कॉल इट अ नाइट, अ सिंपल बर्थडे. बिकॉज कल भी कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है स्पेशली हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए. वी आर हिटिंग अ बिग माइल स्टोन ऑन यूट्यूब. मेरे फिंगर्स क्रॉस थे कि मुझे लग रहा था बर्थडे तक हो जाएगा बट मुझे नहीं लग रहा रात के 12 बजे तक होगा. तो आई थिंक द डेट व्हेन वी विल हिट दिस माइल स्टोन विल बी टुमारो. सो वी हैव प्लान्ड अ फ्यू थिंग्स फॉर दैट. बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट व्लॉग ऑल्सो. बट सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी टू ऑल आर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स. इंस्टाग्राम पे ना गाइस क्या होता है कि आप इमीडिएटली अपडेट्स पोस्ट कर सकते हो, पिक्चर्स और अपनी स्टोरीज और जो भी फन मोमेंट्स होते हैं. सो मैं जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, मतलब इतने मैसेजेस, इतनी विशेज और कुछ विशेज में तो मतलब पीपल जस्ट यू नो पोर देयर हार्ट इनटू इट. तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतना प्यार करते हैं आपसे लोग. सो दैट वॉज रियली रियली नाइस, दैट ट्रूली मेड माई डे वेरी स्पेशल. बट यूट्यूब पे लेट वीडियो पोस्ट होगा तो आप लोगों को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी ऑलरेडी बिकॉज आप लोग भी इतना कॉमेंट करके मुझे विश करोगे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग, थैंक यू सो मच फॉर बींग काइंड टू अस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड इट फील्स रियली गुड टू हैव यू गाइज विद अस. एंड कबीर ने मेरा ये बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया. आई डोंट नो, जब से मैंने उसको बेबी के बारे में बताया है, यू नो आई एम सीइंग अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ हिम. वो बहुत अफेक्शनेट, बहुत केयरिंग, यू नो बहुत ही ज़्यादा लविंग हो गया है. मतलब मैंने ऐसे देखा कि उसको अपने बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे बर्थडे का था. लिटरली एक वीक से वो एवरी डे कुछ ऐसा कर रहा था कि मुझे सरप्राइज करे. वो मुझे बोलता था आप एक्टिंग करके आंखें बंद करो, मैं आपको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग प्ले करके अलेक्सा पे उठाऊंगा. वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट रियली यू नो टच योर हार्ट कि इतना छोटा सा बच्चा ये सब चीज़ें आपकी इतनी केयर करता है आपके इमोशंस की. एंड यू नो टुडे ही इज बीन आस्किंग मी, मम्मा डिड यू लाइक योर बर्थडे, मम्मा आर यू हैप्पी, मम्मा आर यू एक्साइटेड. सो कॉन्स्टेंटली वो होता है ना, आप चेक करते हो कि इफ द पर्सन इज हैप्पी और नॉट. सो आई रियली हैड अ वेरी वेरी लवली बर्थडे विद हिम दिस टाइम एंड आई होप दैट नेक्स्ट बर्थडे और भी ज़्यादा स्पेशल हो बिकॉज दो दो हो जाएंगे.
सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी. बट ऑन दैट नोट हम वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज मम्मा अब जाके कबीर के साथ टाइम स्पेंड करेगी. एंड आप लोग भी इंजॉय करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज लविंग मॉम कॉम इंडिया. बाय गाइस.